हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं GTA वाइप। तो जैसे कि आपको लास्ट वाली वीडियो में याद होगा कि ट्रेवर माइकल ने मिलकर मार्टिन मदासो के लिए एक मिशन कंप्लीट किया था, जिसमें उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके ब्रदर से चुराने थे, जो कि अदर कंट्री में लेके जा रहा था अपने प्लेन से। तो माइकल और ट्रेवर ने उसका प्लेन क्रैश करके उसे वो डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे, लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आई तो मार्टिन मदासो ने पेमेंट नहीं किया। तो ट्रेवर क्या करता है, तो उसकी वाइफ को अगवा करके लेके आता है पलीटो। तो इसलिए अब हम नहीं जा सकते हैं लॉस सैंटोस, क्योंकि अगर हम लॉस सैंटोस जाते हैं तो मार्टिन मदासो हमें ट्रैक करवा के हमसे हमला भी करवा सकता है। तो अभी तो हम उसका सामना नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम रहेंगे पलीटो ट्रेवर के गाँव में अभी तक के लिए। तो चलते हैं ऊपर ट्रेवर से मिलने के लिए। शायद आई थिंक ट्रेवर ऊपर ही होगा। ओके, तो चेक करना पड़ेगा कहाँ पे है ट्रेवर भाई। ओके, यहाँ पे ओके ट्रेवर यहाँ पे है। ओ, ट्रेवर यहाँ पे टॉयलेट कर रहा है। ट्रेवर जो है हमेशा माइकल का मजाक उड़ाता है, या फिर उसको गुस्सा देने वाले मुद्राने की बात करता रहता है। ओके, तो ट्रेवर लड़ने के लिए तैयार। ओके, तो डेब भी आ चुका है, जो कि FIV का हेड है, जो कि माइकल का हमेशा साथ देता है उसके सबूत मिटाने के लिए। और उसने पिछली ज़िंदगी में भी माइकल का साथ दिया है उसके सबूत मिटाने के लिए, और उसको एक नई ज़िंदगी दी है, जो कि उस लॉस सैंटोस में जीता है। ओके, तो डेव है वो कुछ काम लेके आया है। ओके, तो ट्रेवर और माइकल अभी भी शांत नहीं हो रहे हैं। भाई यहाँ पे तो शांत रह जाओ भाई, डेव के आगे माइकल है वो ट्रेवल की गलतियाँ बता रहा है, वो कहाँ कहाँ पे गलतियाँ करता है, कि ट्रेवल हमेशा बोलता है कि तुम ताने मारते हो। माइकल कह रहा है कि मैं हमेशा ताने नहीं मारता, ये हमेशा गलती करता रहता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ। तो ये मुझसे कहता है कि ताने मार। ओके, तो डेब हमें एक मिशन देके गया है, लेकिन उस मिशन के लिए हमें इक्विपमेंट देके गया है कि हमें एक बोट चाहिए और मिलिट्री बेस पे जो हार्डवेयर है वो चाहिए, और भी कुछ दो तीन चीज़ें बताई हैं, तो उसको हमें लेने जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें लेने जाना पड़ेगा लेस्टर को, क्योंकि जो प्लानिंग करने वाला है वो लेस्टर करने वाला है। तो चलिए अपनी गाड़ी में बैठ के चलते हैं लेस्टर को लेने के लिए। तो अभी हमारे साथ जाने वाला है ट्रेवर। भाई ट्रेवर जल्दी बैठा के भाई, तो चलिए चलते हैं अपनी छोटी सी गाड़ी में बैठते लेस्टर को लेने के लिए। ओके, तो लेस्टर पे कॉल लगा लेते हैं। तो तुम अपनी गाड़ी भगाते भगाते आ चुके लेस्टर के ठिकाने पे, जहाँ पे हमें लेस्टर मिलने वाला है।
ओ भाई ट्रेवर ही सुधरने वाला। ट्रेवर माइकल को कुछ मार रहा है फेंक के, भाई मान जा हमेशा मजे में रहता है। ओ भाई ओके, तो माइकल ट्रेवर बोर हो रहा है तो वो कह रहा है भाई खन्ने तो कितना नाराज क्यों होता है। ओके भाई इससे कौन निकलने वाला है। ओके तो हमारा फ्रेंड लेस्टर आ चुका है पब्लिक बस में। आप लोग सोच रहे हो कि लेस्टर पब्लिक बस में क्यों आ रहा है इतना पैसा होने के बावजूद, क्योंकि जो लेस्टर है वो एक हाई प्रोफेशनल हैकर है, कह सकते हैं कि हाई प्रोफेशनल हैकर, लेकिन वो हर किसी के बारे में नॉलेज रखता है, तो इसीलिए उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसलिए पसंद है क्योंकि अगर उसको पकड़ेगा तो उसको इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई भी इतना शक नहीं करता है, तो लेस्टर आराम से वहाँ से निकल सकता है बिना किसी प्रॉब्लम में फंसे। ओके तो लेस्टर ले जाने वाला है हमें बैंक। आई थिंक हमें बैंक में रॉबरी करनी है। बैंक तो सिंपल है गाइस, देखने में तो सिंपल लग रही है। आई थिंक रॉबरी इसमें शायद आसान हो सकती है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जो होता है देखने में होता है, वो करने में नहीं होता। एक बार चेक कर लेते हैं इसका बैक एंड भी कि भागने का रास्ता कहाँ से है। ओके जो ट्रेवर है वो कह रहा है कि इसमें बहुत प्रॉब्लम है इसकी चोरी करने में, तो लेस्टर एक प्रैक्टिस करना चाहता है कि जो अलार्म है उसको तोड़ना चाहता है, कि वो देखना चाहता है कि वो जब अलार्म बजती है तो क्या पुलिस कितनी आती है और कैसे प्रोसीजर होता है, जिससे कि हमें मालूम पड़ सके जब हम उस पर जब घुसेंगे तो अलार्म बजेगी तब क्या होगा। ओके तो माइकल को यहाँ से सूट करना पड़ेगा, तो भाई सूट कर देता हूँ भाई, शायद आई थिंक सब पैसा पिस्टल ठीक रहेगी। ओके तो भाई तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रुकना भी ठीक नहीं है, अगर पुलिस आएगी तो हम पे शक कर लेगी, तो चलते हैं हम थोड़ा पीछे खड़े होते हैं। इसके सामने पेट्रोल पंप है, वहाँ से हम सीन देखेंगे कि कितनी पुलिस आती है और क्या प्रोसीजर होता है इस बैंक में अगर अलार्म बजती है तो, क्योंकि जब हम इसके अंदर घुसेंगे अगर कोई अलार्म बजा भी देता है तो पता नहीं इसके अंदर क्या होगा, तो इसके लिए हम पहले से प्रिपरेशन कर लेंगे अगर कोई भी चीज़ होती है तो। अभी तक तो सर कोई सायरन आ गया है कॉप्स का, तो 67 सेकंड में जो पुलिस है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है बैंक में अगर अलार्म बजती है तो। ओके तो काफ़ी अलर्टेबल है यहाँ की पुलिस इस बैंक को लेकर। ओके तो अभी हम जाने वाले हैं कि जो हमें चोरी करनी है वो हमें कल करेंगे, आज के लिए सिर्फ हमें चेक करना था कि अलार्म कितने सेकंड में पुलिस यहाँ पे पहुँच जाती है। तो अभी होने वाली है माइकल और ट्रेवर में होने वाली है रेसिंग, तो अभी हमें कैरेक्टर माइकल ड्राइवर में जल्दी से चलते हैं अपनी बाइक को भगाते हुए, ड्राइवर से हमें पहले पहुंचना है अपने ऑफिस में। तो भाई जल्दी जल्दी भाई तो अभी तो रोड खाली है, तो भगाते भगाते चलते हैं अपनी बाइक को जल्दी जल्दी क्योंकि हमें पहुंचना है माइकल से पहले। तो फाइनली हम आ चुके हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से
माइकल पहले पहुंच चुका है हमसे। ओके तो यही हुआ कि माइकल हमसे पहले पहुंच आ गया यहाँ पे। ओके जो लेस्टर है वो बच्चों जैसे कह के ट्रेवर का मजाक उड़ा रहा है। ट्रेवर यहाँ पे गर्म खाना खाने वाला है। लेकिन गाइस ट्रेवर तो यहाँ रहता नहीं था, ये खाना कैसे, आई थिंक ये बहुत पुराना खाना खा रहा होगा, रखा होगा। भाई पता नहीं ट्रेवर क्या माइकल को खिला रहा है, खुद पता नहीं क्या खा रहे हैं। अभी तो लास्ट टाइम ने प्लान बना लिया है, सिर्फ हमें देखना है प्लान कैसा है। क्योंकि माइकल को ही ग्रांटेड करना है कि प्लान ठीक है, क्योंकि ट्रेवर का इसमें कोई हाथ नहीं होता, सिर्फ ट्रेवर को काम करने के लिए कहा जाता है। ओके तो हमको पहले चाहिए मिलिट्री हार्डवेयर। और उसके बाद हमें एक बोट चाहिए। ओके तो हम टाउन को देख चुके हैं, टेस्ट सिक्योरिटी भी हम कर चुके हैं और टाइम का रिस्पॉन्स भी हम कर चुके हैं। अब रह गया है मिलिट्री हार्डवेयर और बैंक रॉबरी। ओके तो ये एक बंदा है FIV का, तो इसका ये गनमैन है, तो इसको भी हम अपने टीम में ले लेंगे क्योंकि इसके लिए इसकी इस मिशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके तो इसको कंफर्म कर देते हैं। ओके ओ भाई ट्रेवर ने भाई पता नहीं क्या खाया, बहुत गंदा सा मुंह से निकाल रहा भाई। क्या भाई ट्रेवर ओके तो अभी कर लेते हैं फ्रैंकलिन को फोन। तो हमारा जो ये वाला मिशन सब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी फ्रैंकलिन को फ़ोन कर लेते हैं, उसको बुला लेते हैं क्योंकि इस मिशन में फ्रैंकलिन भी हमारे साथ देने वाले हैं। फ्रैंकलिन का खुद ही फ़ोन आ गया। तो फ्रैंकलिन भी आने वाला है हमारे साथ, कि फ्रैंकलिन को भी इस मिशन में हमारे साथ रहना पड़ेगा क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बंदों की जरूरत पड़ेगी। ओके तो अभी चलते हैं माइकल के करेक्टर की तरफ, क्योंकि हमें जो हार्डवेयर है उसको भी लेके आना है। तो माइकल यहाँ पे लेस्टर को छोड़ने के बाद यहाँ पे आ गया है। ओके तो यहाँ से जाने वाले हैं हम हार्डवेयर की पे, जहाँ पे मिलिट्री वेड के इसके हार्डवेयर रहते हैं, जो कि HS पॉइंट है, जहाँ पे हमें मिलिट्री कॉनवॉयस के हार्डवेयर सारे के सारे मिल जाएंगे, जो इस मिशंस में हमारा साथ देंगे। तो मार्क कर लेते हैं कि HS। कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हम लेने जा रहे हैं वो समथिंग मिलिट्री बेस के बहुत अच्छे हार्डवेयर है। देखो कि भाई भाई आराम से भाई क्या के। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और जो मिलिट्री है वो हमारे पीछे लग चुकी है। ओके भाई आराम से
भाई सारे सारे मर जाओगे। ओ भाई यहाँ पे मिलिट्री बहुत सारी है, और जो हार्डवेयर है वो बीच वाले ट्रक में है। उस ट्रक को गैस कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ब्लास्ट हो गया तो हमें बहुत बहुत भारी नुकसान हो सकता है। फिर भाई आराम से कवर में हो जाता है। भाई तू भी आ, नहीं भाई हेड मारूंगा इसके तो, अभी रुक जा भाई, चलो कवर लेने दे। ओके देखिए तू भी, ओ भाई कट्टे से आ रहा है भाई, अगर रुक जा भाई। ओके भाई ओके, ये आ गया आ गया भाई, कट्टे से मारने के लिए आ रहा भाई। गन वाले जब कुछ नहीं कर पा रहे तो कट्टे से मार लेगा ये भाई। तू भी मुझे फाइनली शायद आई थिंक सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। गन का फायर कैसा आ रहा है कहीं से। ओके ये बचा है भाई, मुर्दों में भी भाई जान होती है। ओके तो ट्रक हमें हार्डवेयर का ट्रक मिल चुका है मिलिट्री बेस का, तो इस ट्रक को हम आगे चलते हैं अपने मैथ लैब में, जहाँ पे लेक्स्टर इसका पता नहीं क्या करने वाला है। तो हम फाइनली आ चुके हैं अपने मैथ लैब पे, जहाँ पे हमें इसको खड़ा करना था। अब बाकी का काम लेस्टर करेगा जो इसका कहना होगा। तो अभी हम चलने वाले हैं लेस्टर को लेने के लिए, देखते हैं कि लेस्टर कहाँ पे मिलेगा हमें। ओके तो जहाँ पे जाना है हमें टी पे जाना है, टेबल के यहाँ पे। ओके तो जल्दी जल्दी चलते अपनी गाड़ी को भगाते हैं ट्रैवल के यहाँ पे, देखते कि ट्रैवल यहाँ पे अभी क्या कर रहा है। ये तो हम ट्रैवल के कैरेक्टर में आ चुके हैं। तो भाई मार्टिन मैड्रेस का फोन आ रहा है हमारे पास। जो मार्टिन मद्रास जो है वो ट्रेसा के बारे में पूछा है, जो उसकी वाइफ है। तो लेकिन ट्रेवर उसको बता ही नहीं रहा कि उसके पास है, लेकिन उसको पता है कि ट्रेवर ने ही ये काम किया है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं ऊपर जहाँ पे सब लोग आ चुके आए थे। ओके तो टैब ने आई थिंक पहली बार कोट पहना है गाइस। ओके तो मार्टिन मद्रासो को पता चल चुका है कि ये वो जो काम किया है वो ट्रेवर ने ही किया है, क्योंकि जो ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है वो है ट्रेवर, क्योंकि ट्रेवर थोड़ा संकी है। लेकिन ट्रेवर समझ ही नहीं रहा कि अगर उसको हमने वापस नहीं किया तो हमें भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि हम लैस सेंटोस जा नहीं सकते अगर हम उसको वापस ना करेंगे तो। भाई फ्रैंकलिन आवाज हो रहा है। ओके तो फ्रैंकलिन की बात भी ठीक है, एक लड़की के लिए हम लॉस सेंटोस नहीं छोड़ सकते। ओके तो लेफ्ट भाई तो ही पूछ ले पहला क्वेश्चन। ओके तो ट्रेवल का कहना है कि उसका फ्रेंड था बेनी, अगर वो यहाँ पे होता तो अच्छा रहता, लेकिन अभी वो क्या है पार्टी करने के लिए वो रॉबरी मिशंस में बहुत आगे है, लेकिन अभी वो नहीं है तो उसके अलावा हमें काम चलाना पड़ेगा। ओके तो अभी हम चलने वाले हैं बैंक रॉबरी के लिए।
तो हमें सब साथ में जाना पड़ेगा, सब लोगों को साथ में, क्योंकि किसी को शक ना हो उनकी बहन में। ओके, जो लेस्टर है उसने प्लान ऐसा बनाया गाइस जो कभी फेल शायद आई थिंक हो नहीं सकता, और आपके लिए एक सीक्रेट है जो कि मैं अभी नहीं बताने वाला, वो उसी पॉइंट पे मैं बताऊंगा कि जो हार्डवेयर था वो क्या था, जो मिलिट्री बेस का हार्डवेयर था, जो मिलिट्री का हार्डवेयर था उसमें क्या था। लेकिन जो लेस्टर ने प्लान बनाया गाइस वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, उसको फेल होने का कोई भी मतलब ही नहीं पड़ता। तो अभी हम चलते हैं अपनी बैंक को दौड़ाते दौड़ाते लेक्स की बताई जो आपको मतलब बैंक में। अभी तो फाइनली हम आ चुके हैं, लेस्टर हमें लेके आ चुका है अपनी बताई हुई जगह पे, जहाँ पे हमें फ्रैंकलिन को उतारना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा आगे उतारना है हमें। ये भाई क्योंकि जो फ्रैंकलिन है वो भी एक वोट करेगा, लेकिन वोट तब करेगा जब उसकी हमें ज़रूरत होगी। लेकिन उससे पहले आई थिंक लेस्टर कह रहा है कि प्लान चेंज हो सकता है, तो फ्रैंकलिन को तैयार रहना पड़ेगा प्लान चेंज के लिए। ओके, अभी हम जाने वाले हैं बैंक में रॉबरी करने के लिए। पहली जॉबी, सबसे पहली जॉबी बैंक में होने वाली है, किसी को बनर भी नहीं होगी कि हम लोग चोरी करने के लिए आ रहे हैं। ओके ओके भाई, सब जल्दी उतरो। भाई जल्दी घुसो ना भाई, भाई बाहर क्या कर रहे हो गाइस। ओ भाई फ्रैंकलिन मैं पहले घर चला थी भाई, भाई बाहर निकलो बाहर निकलो भाई, साइड से उठो भाई, ड्राइवर आराम से गोली मर मार दियो, फिर लॉकर की चाबी मेरे पास है। डरपोक एंड रोने लगे कि भाई जल्दी कर भाई, ये हमारा एफआईवी वाला फ्रेंड है जो कि गनमैन हमने किया था। तो भाई पुलिस भी आ चुकी है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इस अलार्म से सिर्फ एक है। ओ भाई लेस्टर क्या कर रहा है भाई, भाई लेस्टर हमेशा काम खराब कर देते हैं, वो आते और देख के चले जाते हैं, क्योंकि लेस्टर ने फायर करे उनको अलर्ट भी कर दिया। अब वो पुलिस भी यहाँ पे आती होगी कि भाई जल्दी जल्दी उठो भाई क्या कर रहे हो। ओके भाई पुलिस भी यहाँ पे आ चुकी है गाइस, तो आपके लिए अभी है एक बड़ा सरप्राइज। अभी आप देखने वाले हैं सबसे बड़ा सरप्राइज इस रॉबरी का। तो भाई उस मिलिट्री बेस हार्डवेयर में था ये सुपर सूट और सुपर गन जो कि हमने ट्रेवर को दे रखी है, और ट्रेवर का रोल प्ले कर रहे हैं हम भाई, सब मार जाते भाई, जितने भी होते हैं जितने भी होते हैं क्या सारे के सारे मार भाई, कितने भाई हट जा भाई, तुझे बीच में लग जाएगी भाई भाई भाई, ये दे रही है भाई सारी की सारी गाड़ियाँ भाई, इतनी बढ़िया मैंने गाइस, अगर कोई भी सामान से सामने से भाई कट जाएगी आराम से, बहुत ईजी है। चौपर आ रहा है, ओके भाई ओके भाई चौपर भी आ चुका है भाई, हमें चौपर भी गिरा दिया है। दूसरा चौपर पे आ चुके भाई, तू भी नहीं तू कहा जा रहा है भाई, ओके भाई
तो अभी हमें भागने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये सूट भी हैवी है और पैसे भी हमने निकाल रखे हैं, बैग में डाल रखे हैं। भाई तू भी ले भाई, कहाँ भाई, इधर उधर भाई। इनको ये अकल नहीं है कि मशीन इनके सामने भाई आ जाते हैं भाई, पता नहीं किस लिए। ओके भाई भाई, जो लोग आ जाएंगे भाई बीच में, सब लोगों को भूल जाएंगे भाई। अब तो बहुत बुरा बूम बम होने वाला है। ओके भाई, अब मामला बहुत ख़राब हो गया है कि हम पे लग चुके हैं 5 स्टार्स भाई, थोड़ा ख़राब हो गया है कि भाई जल्दी ट्रैवल, जल्दी भाग भाई। भागना पड़ेगा हमें। ओ भाई जल्दी जल्दी इसको मारते हैं। ओ भाई यहाँ पे मिलिट्री भी आ गई है भाई, ऐसा हमने क्या कर दिया कि मिलिट्री आ गई यहाँ पे। एक नॉर्मली रॉबरी तो किया भाई, क्या भाई। ओके गाइस, को मिलिट्री यहाँ पे आई थिंक इसलिए आई है क्योंकि हमारे पास जो स्टार्स हैं वो 5 लग चुके हैं। 5 स्टार्स में रॉबरी में भी समथिंग पुलिस और मिलिट्री आ जाती है, सेम डिफरेंस ही होते हैं। तो जल्दी मारो। ओ भाई एयरक्राफ्ट कैरियर भी भाई आ गया भाई। ओके भाई ट्रेवल तू ही मार भाई, अपनी मशीन गन से इसको भाई। ओके भाई कितना मजबूत है गाइस। ओके फाइनली हमने एयरक्राफ्ट की एयरफोर्स का पार्ट दिया है, लास्ट कर दिया अपने गन से। तो भाई ये भी भाई बच जा। ओके गाइस, तो गेम भागने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे भी मिलिट्री आ चुकी है बैग के लिए। ओ भाई मेरे भाई तू भी ले, मेरे भाई गाड़ी से मिल रहा, गाड़ी में ले ले भाई, ट्रेवल आ रहा है भाई। भाई छुप छुप के बंदे मार रहे हैं भाई, सामने आओ भाई। ले है तू भी ले, तू भी निकल। ओ भाई यहाँ पे टैंजर आ चुका है, एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आ चुका है, बस प्रॉब्लम होने वाली है। तो फ्रैंकलिन आ चुका है क्योंकि पहले हमारा था कि हमें बोट लेके आना था लेकिन ये नहीं हो पाया। तो स्पेशल हमने बोला था कि प्लान चेंज हो सकता है, तो फ्रैंकलिन इसको चलाने वाला भाई। फ्रैंकलिन उतर बताई, जल्दी बैठ जल्दी बैठ। ट्रैक लेके आया बुलडोजर जो कि जो सारी की सारी गाड़ियाँ होंगी उसको पीछे कर सकता है, उसको पलट भी सकता है, और जो गोली चलेगी उसको लगेगी ही नहीं क्योंकि जो सामने के सामने जो उसके सामने बुलडोजर के सामने जो चीज़ है उसको वो लगे ही नहीं देखे। भाई आराम से जल्दी जल्दी चलते हैं। ओ भाई सामने से गाड़ी आ रही है। ओ भाई आराम से अभी रुको भाई, सब पलट देंगे। भाई हट जाओ भाई बीच रास्ते से। भाई इसको भाई पूछा, ओ भाई बिल्डर भाई बहुत ही पावरफुल है, उसने गाड़ी को पलट दिया। ओके भाई माइकल ट्रेवर का, ओके माइकल ट्रेवर अंदर है। ओके भाई बैठ जाओ। लेकिन जो एक हमारा साथी था सर, आई थिंक वो डेड हो चुका है आई थिंक मेरे हिसाब से। तो भाई जल्दी फैक्ट्री में नीचे। ओ
भाई पैंडल पीछे लगा हुआ है भाई, वो बॉम्ब जाग रहा है। ओ भाई मेरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है गाइस, क्योंकि अगर उस पर एक भी लगता है बॉम्ब तो हम लोग तबाह है। भाई सामने से भी आ रहा है, इस फैक्ट्री में चलते हैं भाई। भाई फ्रेंडली फैक्ट्री फैक्ट्री ओके तो अभी चलने वाले फैक्ट्री में वही जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ओके तो अभी माइकल के कैरेक्टर में आ चुके हैं। ओ भाई पीछे भी मिलिट्री आ चुकी है, और भाई हमें लगा था कि हम यहाँ पे सेफ होंगे, तो कैप्टन के पीछे भी शायद कोई रास्ता होगा। और ओ भाई यहाँ पे भी भाई मिलिट्री आ चुकी है भाई, थैंक यू ट्रेवल भाई आराम से। यहाँ पे हमें लगा था कि यहाँ पे हम सेफ होंगे, लेकिन शायद आई थिंक उनको हमारा प्लान मालूम पड़ चुका है। गाइस हमारा प्लान ये था कि हम इस फैक्ट्री के पीछे से रास्ते से ट्रेन से निकल जाएंगे, तो आई थिंक ये नहीं होने वाला, तो शायद चेंज हो सकता है। अरे तू निकल भाई, तू भी ले। ओ भाई अरे आराम से भाई, लोडिंग भाई लग गई तो तू भी ले। तो भाई बहुत सारे मिलिट्री के बंदे आ चुके हैं। तो भाई ट्रेवल आराम से भाई, ओके तो इससे शायद ये एड्स नहीं है, इससे शायद हेल्थ ज़्यादा नहीं हो पाएगी, ये लगा सा इससे हेल्थ हो जाएगी। तो भाई पीछे ही बंदे हैं भाई, ट्रेवल भाई माइकल मार। ओके तो गाइस पीछे ही बंदे आ चुके हैं, तो इसको इनको ख़त्म करना शायद इतना कठिन नहीं होगा। आई थिंक हम ट्रेन का वेट कर सकते हैं। तो शायद आई थिंक शायद सारे के सारे ख़त्म हो चुके होंगे, शायद आवाज़ तो अभी आ रही है, शायद थोड़े बहुत बंदे बचे होंगे मिलिट्री के। अच्छा भाई अभी भी हैं भाई, और भाई ये पूरे ख़त्म नहीं आ रहे, तब से समझो मत कि ये मर चुके हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ताकत है। मरे हुए बंदे भी इतने चला लेते हैं। ओके भाई ये भी खड़ा है, ओके भाई तेरे हेड पड़ेगा मैच किया सर या कहा। ओ बच्चा भाई छुपके मार रहा है साले। ओके तो अभी हमें ट्रेन में बैठना पड़ेगा, जब ट्रेन आएगी तो अभी हमें मिलिट्री को रोकना है इधर आने के लिए। ओ भाई वो सारी मिलिट्री आ चुकी है, ओ भाई कितने बंदे हैं भाई। तो भाई ट्रेन आ चुकी है भाई, फ्रैंकलिन ट्रेवल जल्दी चलो जल्दी 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 भाई भाई जल्दी। ओके गाइस तो फाइनली हमने ट्रेन पकड़ ली है भाई, लग नहीं रहा था कि ट्रेन हम पकड़ पाएंगे इतने भारी कपड़ों में और इतने भारी बैग्स में। ओके तो हमें लगा पता नहीं कौन है भाई, बच गया कि ट्रेवल ट्रिप को भी पेन लगा। ट्रेवल को डरा रहा है भाई आराम से कि हम बंदों को मार के आ रहे हैं, नहीं तो बात नहीं हम तेरा ही खल्लास कर रहे हैं। Oh yeah,
ओके गाइस, तो हमारा इतना ही हिस्सा है क्योंकि वो सारा का सारा जो प्लान था वो हमने बनाया था, लेकिन जो हमारा जो सपोर्ट पीछे बैकग्राउंड में था वो FIVP डेव का था, तो सारा का सारा पैसा जाएगा डेव के पास, हमारे पास सिर्फ इतना ही आएगा। ओके ट्रैवल कोई नहीं भाई, ओके भाई फाइनली बाद में मिलते हैं गाइस। ओके गाइस, तो आप सभी लोगों को ये गेम प्ले की वीडियो आज कल अच्छी लगी हो तो प्लीज़, आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी मिलती रहे जब मैं अपलोड करूँ तब। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।